उत्तर प्रदेश में दिन और रात हर वक्त होता, में पल पल दम तोड़ता अन्नदाता। आज उत्तर प्रदेश आजादी मांग रहा है, आज उत्तर प्रदेश को आजादी चाहिए। आजादी प्रदेश में बढ़ते अपराध से, आजादी सड़कों में गड्ढों से, आजादी लाइन में खड़े उत्तर प्रदेश से, आजादी प्रदेश में बढ़ रहे पलायन से। लेकिन इस बार किसे चुनेगा उत्तर प्रदेश? न यूपी परिवारवाद को चुनेगा, न यूपी धर्म और जातिवाद को चुनेगा। इस बार यूपी चुनेगा अपना सुल्तान। देखिए विधानसभा चुनाव की महाकवरेज समाचार टुडे पर। कौन बनेगा सुल्तान? नमस्कार, समाचार टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। चुनावी दौर में समाचार टुडे आपको दिखा रहा है विधानसभाओं का हाल। आज हम आपको दिखाएंगे विधायक कपिल देव की विधानसभा का हाल। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर से कपिल देव पर भरोसा जमाया है और विधानसभा का टिक प्रत्याशी ने बनाया है। कपिल देव का विरोध भी हो रहा है, लेकिन समाचार टुडे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार विधायक साहब के इलाके में विधायक साहब ने कितना काम किया है, जनता विधायक साहब के कामकाज से कितनी संतुष्ट है। इन्हीं तमाम बातों को हम जानेंगे। हमारे संवाददाता मनीष वर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं विधायक कपिल देव के इलाके से। मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नकुल जी, बताएं। हाँ मनीष, सबसे पहला सवाल, इस इलाके के लोग अपने विधायक के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप वहां गए, आपने दौरा भी किया और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ली, लोग क्या कहते हैं विधायक साहब को लेकर? देखिए, जो इलाके के लोग हैं काफ़ी नाराज हैं और काफ़ी नाखुश हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं और जो यहाँ के युवा हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ के विधायक से, क्योंकि यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं यहाँ की आम जनता को। अगर हम रोड की बात करें तो रोड एकदम जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है, एकदम टूटी फूटी अवस्था में पड़ी हुई है कि उस पर चलना एकदम दुश्वार है। अगर हम पानी की निकासी की बात करें तो आपको भी हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर जो पानी है, गंदगी, वहां पर गंदगियों का अंबार है। जो नाली का पानी है वो जाकर किसी और के प्लॉट में चला जाता है और जब पानी बरसता है तो वही पानी लोगों के घरों में जाता है। और अगर हम बिजली की व्यवस्था की बात करें तो यहां पर खंभे नहीं है बिजली के। अब आप सोच सकते हैं कि ये शहर का है, ये शहर में है और शहर में होने के बावजूद यहाँ पर बिजली के खंभे नहीं हैं यहाँ के, और ये जो तार है, तार लोगों के घर के ऊपर से गए हैं। अगर कोई बच्चा उस तार को छू ले या फिर अगर कहीं से कटा हो तो कोई हादसा हो सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल मनीष, एक बड़ा हादसा हो सकता है। आपके पास लोग भी मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं, लोगों में बड़ी उत्सुकता है, लोग बताना चाहते हैं मीडिया चैनल के जरिए, समाचार टुडे के जरिए, कि उनके विधायक ने कितना कामकाज किया है। सबसे पहला सवाल आप लोगों से जो बात करना चाह रहे हैं मनीष, लोगों से सबसे पहला सवाल ये जानिए कि आखिरकार उनके विधायक ने उनके लिए, उनसे आकर कितनी बार मुलाकात की, उनकी बुनियादी समस्याओं को समझने की कितनी बार कोशिश की? चलिए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए अम्मा जी, ये बताइए कि विधायक साहब कितनी बार आए, कितनी बार आपसे मुलाकात की और अपने वादों पे खरे उतरे? कोई यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ तो ऐसा ही पड़ा, यहाँ कोई नहीं आया, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। हाँ, सब परेशानी है, नहीं यहाँ से कोई विधायक कोई नहीं जमा रहता। वोट मांगने के टाइम पर नेता जी आए थे मनीष, ये भी सवाल पूछिए, फिर कभी आए? कभी नहीं आते, कभी नहीं आता, फिर कोई नहीं आता, वोटों के समय आते हैं, फिर नहीं कोई भी आता। एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया? हाँ। इस बार क्या? कुछ भी नहीं है, वोट नहीं देने के, और क्या? वोट ही देनी, वोट तो जब भी दे हम, वोट तो जब भी दे, कुछ होना तो चाहिए ना, होना चाहिए। नकुल जी, काफी महिलाएं जो है काफी आक्रोशित हैं, उनका कहना है कि विधायक साहब यहाँ पर कभी नहीं आए हैं जीतने के बाद से। वादे तो उन्होंने बहुत किए लेकिन किसी वादों पर खरे नहीं उतरे। जी नकुल जी, बिल्कुल। मनीष, अगर मैं बात करूं महिलाओं की बुनियादी समस्याओं की, इन्हें बोलिए एक मिनट जरा चुप रहेंगे, एक मिनट ये लोग चुप रहेंगे ताकि हम इनसे सवाल कर पाए। हाँ, पहला सवाल यह है, दूसरा सवाल यह है मनीष, के महिलाएं ये बताएं कि अगर इलाके की बुनियादी समस्याओं की अगर हम बात करें, बुनियादी समस्याएं इलाके में क्या कुछ है, आप हमें बता चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वहां के लोग हैं वो खुद बताएं और उनके विधायक साहब खुद सुने इन सब बातों को। जी
ये बताइए क्या क्या बुनियादी सुविधाएं आप लोग चाहती हैं? हम तो यहाँ बिजली भी चाह, सड़क भी चाह, सब सरकारी नलके भी लगने चाह, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। यहाँ कुछ नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है। हमारे तो एक लड़की लड़की है, लड़का भी ना तो है बिजली, ना राशन कार्ड, ना पिल्सन है, ना वो गैस है, और ना कोई कमान वाला ही। यहाँ पर गैस भी नहीं है, एक महिला है, उनका कहना गैस भी नहीं है। जैसा कि मोदी जी ने काफ़ी गैस कनेक्शन बांटे, लेकिन आज की डेट में अगर शहर के अंदर कोई महिला ये कहती है तो एक ताज्जुब की बात है। बिल्कुल, अगर हम मनीष से पूरे इलाके की बात करें तो सबसे पहला जिक्र जो अभी हम करना चाहेंगे, जिक्र इस चीज का कि आज अगर हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं, यूपी सरकार सब हर घर में बिजली देने की बातें कर रही है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही है, तो ऐसे में अगर शहर में बिजली नहीं पहुंची तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखिए नकुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन लोगों ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 24 घंटे बिजली देंगे यहाँ के लोगों को। चलिए 24 घंटे नहीं लेकिन 18 घंटे तो देनी चाहिए, लेकिन अगर आज के समय शहर के अंदर खंभे नहीं हैं और जो घर हैं उस पर अगर नंगे तार हैं, बच्चे छू लें, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और इस अवस्था में आखिर क्या कहा जाए, या तो सरकार फेल है यहाँ पर या तो केंद्र सरकार भी फेल है और राज्य सरकार भी फेल है यहाँ पर। और यहाँ पर केंद्र सरकार है उन्हीं के विधायक, यहाँ पर कपिल देव अग्रवाल यहाँ के विधायक है, उसके बावजूद अगर वो सुविधाएं इन लोग को नहीं मिल पा रही हैं तो एक काफी बड़ी बात है। जी अच्छा मनीष, अब इन लोगों से ये सवाल पूछिए कि अपनी शिकायतों को लेकर ये प्रशासनिक लोगों के पास, विधायक साहब के पास, नेताओं के पास गए कि अपनी शिकायतों को लेकर? आप अपनी शिकायत लेकर गई हैं कभी विधायक के पास? शिकायत लेकर भी जाना कितनी फेरी जावा, जब भी ना सुनता, जब भी नहीं कोई आता यहाँ से था, जब भी नहीं कुत्ते नुका दे, चलो तुम्हारे हम चलो तुम्हारे हाँ हाँ नाचो बालों की बात भुखे रह जा, और यहाँ चमा समेत इतना राशन हुआ नहीं बन रहा, पिल्सन मारी नहीं बन रही, पिल्सन मारी बन रही है भैया, कुछ नहीं है यहाँ से तो। जब ऐसे ही पड़ा जाकर तो देखो भर फोटो जो वहाँ से वहाँ तक नहीं पड़ा, अच्छा आधा राशन भी दे रहा है, आधा राशन दिया जाता है इनको। और जो विधायक साहब है इन्होंने मिलने की काफी कोशिश की विधायक साहब से, लेकिन विधायक साहब सिर्फ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवा उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। इनका कहना है कि उनसे मिलने भी गए हैं और उसके बाद वो कहते हैं तुम चलो हम आ रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं। जी नकुल जी, बिल्कुल हैरानी की बात है कि जिस विधायक को हम विधानसभा भेज देते हैं, जनता तमाम उम्मीदों के साथ विधानसभा भेजती है, वो विधायक मिलने तो आता नहीं, उल्टा जब परेशान जनता अपने विधायक से मिलने जाती है तो उससे भी मुलाकात वो नहीं करता। मनीष, अब एक एक करके इन सभी से आप पूछिए इनके विधानसभा में क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान ये लोग चाहते हैं। जी अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए कि विधायक साहब ने क्या किया है? विधायक साहब ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कोई वो नहीं है, ये क्या है सड़क पे पड़ी है, अगर जो हम मतलब एक आधे घंटे की बारिश भी होती है यहाँ से इतना इतना पानी होता है गोड्डे गोड्डे तक का, और जो है जब ही विधायक साहब यहाँ आते हैं कि वो करने यहाँ से वोट मांगने जब भी आते हैं, जब यहाँ से इलेक्शन होता है उसके बाद में कोई आके यहाँ से जागता नहीं, नहीं कोई नहीं आता सर। आप बताइए। मैं तो चाह रहा हूँ जी, जितनी यहाँ सड़कें हैं ये अब कुकड़े में जाके देख लो, आप प्रधान के यहाँ पे जाके देख लो, जगह जगह सड़कें पक्की है, RCC सड़कें हैं, और हमारे यहाँ देख लो यहाँ पे बारिश होने के बाद में यहाँ यहाँ तक पानी आ जाता है, बताओ खंभे देख लो तुम, तार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ खंभे गट रहे हैं, बताओ आपके जो कोई सलूशन है? सरकार के पास जाता है, राशन कोटा लेने जाते हैं, उसको भी कहने लगा दो को देगा, दो को फरार कर देता है, कहने लगा दो को नहीं है, कहने लगा तुम्हारा नंबर नहीं आया, फलाना नहीं हुआ, नेट पे दिखा लो, नेट पे चेक करने गए, नेट पे नंबर नहीं देते, कहने लगा राशन के पास है क्या प्रॉब्लम? सड़क की हालत बहुत खराब है, पूरे मोहल्ले की हालत बहुत खराब है, इन्हें वोट तो मांगनी आती है लेकिन काम कराना नहीं आता, जब भी यहाँ पे बारिश होती है ना सड़क इतनी खराब हो जाती है कि कोई भी आता है सड़क वाहन से आता आदमी गिर जाता है नीचे, चोट लग जाती है उसके, देखो तार देख लो कितने खराब हो, किसी जाल से घिरा पड़ा तारों का, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मनीष बिल्कुल बिल्कुल हम जनता का गुस्सा समझ पा रहे हैं, जनता गुस्से में है, जनता अपने गुस्से का इजहार कर रही है, विधायक साहब के पूरा जो बही खाता है जनता सामने लेकर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मनीष हम रुकेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद भी हम आपसे जुड़ेंगे और
विधायक साहब कपिल देव की विधानसभा का हाल जानेंगे, वहां के लोगों की बुनियादी सुविधाओं की जरूरत जानेंगे, क्या कुछ वादे थे तो जनता से विधायक साहब करके गए थे जो अब तक उन्होंने पूरे नहीं किए, और ऐसे में जनता आने वाले समय में किसे अपना विधायक बनाने वाली है, कैसा विधायक जनता चुनने वाली है, इस पूरे मुद्दे पर और विधानसभा का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। संवाददाता मनीष वर्मा फील्ड में मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक। कौन बनेगा सुल्तान, कौन बनेगा सुल्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी महाकवरेज चुनाव की, 2017 महाकवरेज समाचार टुडे कर रहा है और समाचार टुडे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार एक विधायक ने अपने इलाके में कितना काम किया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर के सदर से विधायक कपिल देव की विधानसभा का हाल, कपिल देव की विधानसभा में क्या कुछ हालात है ये हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया, हमने वो भी दिखाया कि वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, जनता कितनी परेशान है, पानी भर जाता है, सड़कें नहीं बनी है। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं संवाददाता मनीष वर्मा के पास, वही मौजूद है विधानसभा इलाके में मौजूद है, उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद है। मनीष हम एक एक करके जनता से समझना चाहेंगे, एक एक करके जनता से समझना चाहेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, उनकी समस्याएं हैं क्या, जिन समस्याओं पर आज तक ना विधायक ने ध्यान दिया ना प्रशासन ने ध्यान दिया। जी बिल्कुल, ये बताइए आपकी समस्याएं क्या है, एक एक करके सब लोग बताइए क्या समस्याएं हैं आपके। समस्याएं तो बतेरी है, बहुत काफी समस्या है, ना तो सड़कें बनती यहाँ पे, ना नाली बनती, हम किराए के मकान में बस पड़े हैं। अच्छा। क्या नाम जी, जब इलेक्शन हुए थे जब तो इन्होंने वादे करे थे कि बुढ़ियाओं की पिल्सन बनाएंगे जो विधवाएगी। हाँ। ना तो उनकी पिल्सन बनी। हाँ। ना कुछ एक ना राशन पूरा देते। हाँ। जो राशन पहले बने हुए है ना उन पे देते राशन। हाँ। अब ये बताओ जो नए राशन बन रहे कहाँ से बनवा के लावे, हम नहीं बनते टाइम पे। अच्छा। कितनी कितनी बार चले जाते हैं। मनीष ये जो बात कर रही है महिला है, युवती है, जो भी है, इनसे आप ये सवाल पूछिए कि अगर आपकी बार विधायक इनके इलाके में आ गए तो क्या करेंगे विधायक साहब का, अगर आपकी बार विधायक साहब आपके इलाके में आ जाते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे उनसे पहले भी क्या है कि हमारा काम पूरा क्यों नहीं करते आप। वोट लेने के टाइम पे तो आप आ जाते हैं, वोट लेके अपना घर पे बैठ जावे आराम से, कुछ करते हैं नहीं ये। आपका चप्पल बजा दो। अच्छा पूछो और लोगों से भी पूछो मनीष के विधायक साहब अगर आ गए इलाके में तो क्या करेंगे, आप बताइए क्या समस्या है। नहीं जी बस यही है, सड़कों की राशन नहीं मिलता है ना, औरतों को राशन मिलना चाह, सड़क बननी चाह, लाइट जिसके घर में भाई खंभे निकली हो मैं बिगड़ने चाह, और तो कुछ समस्या नहीं। ये बताइए, और तो हम ही नहीं देंगे, देते आ रहे बताओ और कहीं तो देने के लिए आगे तो क्या करेंगे, बस नहीं कहेंगे नहीं चप्पल तो देखेंगे ही बात की बात है। अच्छा। पर जो काम है वो होना चाहिए, वो करेंगे तो वोट देंगे, नहीं तो अपनी कहीं भी देंगे। अच्छा अगर काम करेंगे, इनका कहना है कि अगर विधायक साहब ने जो वादे पूरे बोले थे पूरे करने के लिए, अगर वो पूरे करते हैं तब हम फिर उनको वोट देंगे, अदरवाइज उनको वोट नहीं देंगे। और भी महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं, और आप बताइए क्या बताऊं भैया, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है मनीष, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे और हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कपिल देव विधायक सदर से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और इनकी विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता इनकी विधानसभा में मौजूद हैं और जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विधायक साहब ने अपने इलाके की जनता के लिए क्या कुछ किया है। एक और छोटा सा ब्रेक। कौन बनेगा सुल्तान, कौन बनेगा सुल्तान। तो विधानसभा का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष वर्मा मौजूद हैं बीजेपी के विधायक कपिल देव के विधानसभा क्षेत्र में। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विधायक कपिल देव ने ऐसा अपने इलाके में क्या किया है जो आलाकमान ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और दोबारा उन्हें टिकट थमा दिया। बड़ा सवाल है कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि इलाके की जनता बेहद परेशान है, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, बुनियादी सुविधाओं को लेकर विधायक साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब वोट मांगने का समय था तो विधायक जी आए थे और उसके बाद वोट मांगने के बाद विधायक जी वापस नहीं लौटे, आज तक उनके इलाके की जनता उनके आने का इंतजार कर रही है। एक बार फिर से चलते हैं संवाददाता मनीष वर्मा के साथ, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष
मनीष वही सवाल दोबारा दोहराएंगे कि बुनियादी समस्याएं और अगर आपकी बार विधायक साहब आएंगे तो फिर ये लोग क्या कुछ करेंगे विधायक साहब के साथ। जी नकुल जी, हम पूछ लेते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, ये बताइए कि अच्छा छोड़िए आप बताइए। भैया मैं तो यहाँ की लड़की हूँ पर मैं अपने मम्मी पापा को देखने आ रही यहाँ पे। मेरे पापा का बिल्कुल खाट पे टिक रहे कि उनके हाथ पैर कुछ नहीं चलते। मेरी मम्मी की आप हालत देख सकते हैं कि कैसी हो रही है। उनके भी कुछ नहीं, हाथ तीन फेरी फालिस मार गई उनके हाथों में, आँख नहीं खुलती उनकी, आँख मिच रही उनकी। उनका ऐसा नहीं है जो एक रुपए की भी पेंशन या कुछ उन्हें सुविधा दी जाती हो, राशन कार्ड की या भाई कहीं और चीज की, मतलब जैसे कि राशन कार्ड उन दोनों आदमी का बनना चाहिए, उनका कुछ नहीं बन ना उनकी पेंशन बन रही है। तो बताओ ये वोट की कैसे दे देंगी फिर, बताओ कैसे देंगी वोट? ये तो नहीं वोट देने के, फिर जो कोई इनका कुछ करेगा तो वोट देंगी, नहीं तो देने की नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल। और आप बताइए, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपके, आपके यहाँ की समस्या आप बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं रोड बनी है ऊपर सब बोले नो बोल है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं। नकुल जी हम आपको बता दें, आइए एक महिला और भी है उनसे बात कर लेते हैं, आप बताइए। भैया यहाँ पे सड़कें नहीं बननी, ना राशन मिलता किसी को बिल्कुल भी, ना तो भैया राशन मिले है, ना सड़क बननी, ना इसमें नलके गए और ना इस गली में खंभे गए बिल्कुल भी। बताओ क्या करेगा, वोट देगा किसी को? काफी यहाँ के लोग जो है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, वो काफी आक्रोशित है, काफी गुस्से में है। बिल्कुल मनीष, गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब एक सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि आप इन लोगों से ये सवाल भी पूछिए कि जो आपके विधानसभा के सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब की क्या कुछ स्थिति है? इन सब के बच्चे क्या पढ़ाई करने सरकारी विद्यालयों में जाते हैं? क्या ये लोग इलाज करवाने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं? पहले हम आपको दिखा दें, एक तस्वीर दिखा दें, आप देखिए एक महिला है जो कि दिव्यांग है, इनको फालिस मार दिया है, इनको तीन बार फालिस मार चुका है, ये इस समय डंडे से चल रही है और रोड की स्थिति इतनी बेकार है कि उस पर चलना इनके लिए मुश्किल हो गया, दो तीन बार गिर भी चुकी हैं इसी रोड पे। आइए इनसे ही बात कर लें पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ पिल्सन मारी नहीं बन रही, हम रास्ते में बिजली होने रास्ते नहीं बन रहे, अब राशन कार्ड नहीं बन रहे, अब क्या कैसा क्या खाऊं हम? बताइए, आप गिर गई थी ना दो तीन बार यहाँ? दो तीन बार यहाँ गिरेगी, पानी भर जा जब बारिश हो जा, पानी भर जाए यहाँ से, गिर भी जाए यहाँ से, तो चलने में दिक्कत आवे यहाँ से। तो काफी हालात यहाँ पर बद से बदतर बने हुए। अच्छा मनीष, अगर हम वहाँ की तस्वीर देखने की कोशिश करें, पूरे इलाके की तस्वीर जरा हमें थोड़ा सा दिखाइए कैमरे को जूम इन करवा के, क्या कुछ हालात है पूरे इलाके के? जी हम पूरे अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे इलाके की तस्वीर दिखा दे। आप ये देखिए, ये पूरी जर्जर अवस्था में पड़ी है रोड, यहाँ पर चलना एकदम दुर्लभ है। यहाँ पर अगर यहाँ पानी बरस जाए नकुल जी, तो यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है, बच्चे जो है निकल नहीं पाते। हम आपको पीछे दिखा दें, आप देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, प्लॉट के अंदर पानी जा रहा है यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर कितनी असुविधा है यहाँ पर। चलिए हमने इलाके को देख लिया, इलाके में असुविधाएं हैं साफ तौर पर, विधायक साहब पूरे तरीके से फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बुनियादी सुविधाओं की, अभी हम बात कर रहे थे सरकारी स्कूलों का जिक्र कर रहे थे, सरकारी विद्यालयों का जिक्र कर रहे थे, आप ये पूछिए सरकारी स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या गांव के लोग या यहाँ के इलाके के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाते हैं? क्या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए जाते हैं ये लोग? अच्छा आप लोग से एक सवाल है कि आप लोग के जो घर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सरकारी स्कूल में भेजते हैं आप लोग और सरकारी अस्पताल में आप लोग महिलाओं का इलाज करवाने जाते हैं? और अगर जाते हैं या बच्चों को भेजते हैं तो क्या उनको सुविधाएं सही मिल रही हैं? नहीं जी, मिलती कतई नहीं मिलती जी, कतई भी। हम मैं भी गया दो चार दफा कान की वजह से जी, कतई नहीं मिलती जी। यहाँ की सड़कें, गली, अरे नालियां, खम्भे, नलके, ये यहाँ पे कुछ नहीं बनता। नहीं बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर के आपके स्कूल जाते हैं, उन लोगों को पढ़ाया जाता है? नहीं, पढ़ाई नहीं जाता, कतई नहीं पढ़ाया जाता बाबा जी, पढ़ाई नहीं जाता जी कतई भी। स्कूल ही नहीं सर यहाँ पे, जाएंगे कहाँ जब सरकारी स्कूल ही नहीं यहाँ पे सर। कॉलोनी में हमारे सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चे प्राइवेट नर्सरी खुली ही नहीं, मैं जाऊँ जो प्राइवेट खोल रखे स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ जाते हैं। अच्छा जो यहाँ का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर इलाज उलाज सही होता है? नहीं, अब तो घर गोर करने लगे, नहीं पहले कुछ नहीं था, पहले पैसा दो इलाज कराओ। अच्छा पहले पैसा दो तो इलाज कराओ। हाँ अच्छा, हम आपको नकुल जी बता दें
नकुल जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा जी नकुल जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है। और अगर हम सरकारी अस्पताल की बात करें तो इन लोगों का कहना है कि अभी तो इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये लोग पहले जाते थे वहाँ पे जब इलाज कराने के लिए, तो वहाँ पैसा देकर इलाज किया जाता था, तो स्थिति काफी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से हम इस पूरी विधानसभा को देख पा रहे हैं, इस पूरी विधानसभा का हाल हम देख पा रहे हैं, तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक विधानसभा के लिए, जहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों में अगर जनता से, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जनता से पैसा मांगा जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। जी जी बताएं ना चाहेंगे कि देखिए सबसे बड़ी बात है, हम शहर में हैं जी, ये मुजफ्फरनगर में ये शहर है जी, ठीक है, और अगर यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते होंगे जो एकदम इंटीरियर इलाका होगा, जो गांव गांव देहात होगा, वहां पर लोगों की क्या हालत होगी। बिल्कुल बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है मनीष की, अगर हम बात करें इस पूरे मसले की, तो बेहद ही शर्मनाक मामला है ये पूरा, क्योंकि एक विधायक को अगर जनता चुनती है तो अपने विकास के लिए चुनती है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनती है, और अगर ऐसा विधायक होगा किसी इलाके का तो शायद उस जनता का विकास नहीं हो पाएगा, उस इलाके का विकास नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी विधानसभा पर हमसे बात करने के लिए। तो मनीष कुमार वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा का हम आपको हाल दिखा रहे थे, वहां की जनता की जुबानी, अपने विधायक के कामकाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जनता, विधायक के खिलाफ गुस्से में है, विधायक वोट मांगने के वक्त आए थे उसके बाद नहीं आए, और जनता बुनियादी सुविधाओं से बहुत दूर दिखाई देती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात बीजेपी के आलाकमान ने देखी जो विधायक साहब को दोबारा चुनाव में उतार दिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार टुडे। कौन बनेगा सुल्तान। उत्तर प्रदेश में दिन और रात हर वक्त होता अपराध। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हर चौराहे पर होती आपराधिक वारदात। हत्या लूट और अपहरण से थर्रा चुका है उत्तर प्रदेश। गरीबी की लाइन में खड़ा उत्तर प्रदेश। पलायन करता उत्तर प्रदेश का युवा। यूपी में पल पल दम तोड़ता अन्नदाता। आज उत्तर प्रदेश आजादी मांग रहा है। आज उत्तर प्रदेश को आजादी चाहिए। आजादी प्रदेश में बढ़ते अपराध से। आजादी सड़कों में गड्ढों से। आजादी लाइन में खड़े उत्तर प्रदेश से। आजादी प्रदेश में बढ़ रहे पलायन से। लेकिन इस बार किसे चुनेगा उत्तर प्रदेश? न यूपी परिवारवाद को चुनेगा, न यूपी धर्म और जातिवाद को चुनेगा। इस बार यूपी चुनेगा अपना सुल्तान। देखिए विधानसभा चुनाव की महाकवरेज समाचार टुडे पर। कौन बनेगा सुल्तान।